Okay, students, look, actually in the last year that time span was over, that's why I have very small bit is left. देखो इसमें क्या होगा, ऐसा पैटर्न मिलेगा. अब जरा इसको क्लियरली देखो, ये पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ओ से डी वन, ये डी टू, ये डी थ्री है ना. फर्स्ट डार्क ध्यान से देखो, ओ से फर्स्ट डार्क के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा डी में. ये यहां से ओ से फर्स्ट डार्क की दूरी दोनों साइड में लेना पड़ेगा. डी वन और डी टू के बीच की दूरी कितनी है, ये विड्थ ऑफ ए मैक्सिमा. अब देखो ये भी लैम्डा डी बाई ए, ये भी लैम्डा डी बाई ए, इधर भी लैम्डा डी बाई ए, ये सब लैम्डा डी बाई ए. लेकिन क्या हो रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो डबल है. कुड यू अंडरस्टैंड, देखो बाकी मैक्सिमा इनके बीच का, देखो डी वन डी टू के बीच एक मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा, डी टू डी थ्री के बीच सेकेंड मैक्सिमा, यहां भी वही. लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा, ये पूरा, यानी हम क्या देख रहे हैं, इसकी दूरी बीच की दूरी लैम्डा डी बाई ए, लेकिन ये पूरा ट्वाइस लैम्डा डी बाई ए. तुम फिगर बनाते समय भी इसको ध्यान रखना. इसका मतलब हुआ, हम बोलना ये चाह रहे हैं, अगर कभी कहा जाए इसमें, अगर कभी कहा जाए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये कितना होगा, लैम्डा डी बाई ए प्लस लैम्डा डी बाई ए, एकदम फिगर में क्लियर दिखाया हुआ है, दैट इज ट्वाइस लैम्डा डी बाई ए, और बाकी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा वो क्या होगा, सिंपली लैम्डा डी बाई ए. इसीलिए इसको हम लोग बीटा नॉट से इंडिकेट करते हैं, इसको बीटा से. Width of the central maxima is double the width of the secondary maxima. यही डिफरेंस है. हम लोग बोलते हैं ना कि fringe width अलग है, तो fringe width यहां पर central maxima का fringe width जो है वो secondary maxima के width का डबल है, ये ध्यान रखना है. और कैसे डबल है, ये फिगर उसका गाइडलाइन है, दिस फिगर इज द गाइडलाइन. यू टेक दिस मैथमेटिकल पार्ट एंड यू मैच इट इन दिस, तुम्हें पता चल जाएगा. यही हो रहा है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू, सबको समझ लेना चाहिए इसमें हम लोगों ने क्या इसमें किया. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द डिफ्रैक्शन एंड द सिंगल स्लिट. ओके, गो थ्रू इट प्रॉपरली. थैंक यू.